प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन काल के चौथे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। चौथे इतवार का शीर्षक है शांति। लेकिन आज के तीनों पाठों द्वारा और विशेष रूप से सुसमाचार में हम यह बात को ईश्वर स्पष्ट करते हुए पाते हैं, वह है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विशेष रूप से इन वचन पर मनन चिंतन करेंगे। संसार की सृष्टि से पहले सब कुछ सुनसान था और ईश्वर की आत्मा पानी पर लहर रहा था और ईश्वर के शब्द मात्र से सब कुछ संपन्न हुआ और सब कुछ सृष्टि हुआ और वहीं से सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार चल रहा है। जो कोई ईश्वर की योजना को अपने जीवन में स्वीकार किया और उसको अपनाया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को प्रेम किया, वही अपने जीवन में असंभव बातों को भी संभव होते हुए पाए। और ये बात आज के सुसमाचार में माता मरियम के जीवन में पाते हैं कि वो एक महिला और अपने शादी से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया। साधारण सी महिला जो है बिना आदमी के वह गर्भ धारण नहीं कर सकती है, लेकिन माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से वह गर्भ धारण करती है। ये जो है असंभव बातों को संभव बनाती है। यही बात हम प्रथम पाठ में भी पाते हैं। राजा दाऊद जो है वह जब छोटा लड़का था और वह ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास रखता था और ईश्वर की आत्मा उस पर छाया रहता था और इसलिए वह गोलियात के उन सारे सैनिकों और गोलियात को मार सका और शत्रुओं से इजरायली जनता को बचा सका। और इसलिए ईश्वर उसको चुनते हैं और एक राजा बनाते हैं और उसके अधीन सब राष्ट्रों को करते हैं और उसे परिपूर्ण मात्रा में आशीष प्रदान करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास रखा, ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार किया और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाया और इसलिए ईश्वर उन्हें सभी शत्रुओं से बचाकर उनके राष्ट्रों को महान बनाया। लेकिन तब भी हम उनके जीवन में पाते हैं जब वह उनके जीवन में सब कुछ मिल गया था, जब वह उसके ध्यान ईश्वर से हट गया, ईश्वर के उस योजना से हटने लगा, तब वह ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है और जब उसने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया तब ईश्वर उनके जीवन में विपत्तियां लाते हैं और जिसके चलते वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है। फिर ईश्वर उसके जीवन में जो योजना बनाई थी उसे पूरा होने देते हैं। वही बात हम प्रथम पाठ में पाते हैं। और दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए यह बात स्पष्ट करते हैं कि सभी राष्ट्र विश्वास के अधीन स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। तो यही बात हम सबों को दिया गया है और जो रहस्य प्रभु हम पर प्रकट करते हैं वो है असंभव बातों को संभव बनाना। और यही है हमारे जीवन का मकसद है। हम मनुष्य हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है,
लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, प्रभु के योजनाओं को जैसे इब्राहिम और इसहाक और मूसा और दाऊद और अन्य जो जो भी विश्वास के पात्र थे, जैसे उन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पूरे होने दिए, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पूरे होने देते हैं, तब हम असंभव बातों को भी संभव होते हुए पाते हैं। अगर हम प्रभु पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते हैं तो ये सब बातें संभव नहीं है। आज के परिवेश में जब हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और सबके सब इसको इसके चलते परेशान में हैं और सबके सब इस इन बातों से सुलझे हुए हैं, लेकिन जो कोई ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं उनके लिए ये परिस्थिति जो है कुछ नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है और प्रभु ही हमारा सब कुछ है। और वे ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए भी पाते हैं और कुछ असंभव बातों को संभव होते हुए भी पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मानव जाति जो है संसार और संसार की सृष्टि सृष्ट वस्तुओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, सृष्टिकर्ता पर विश्वास खो बैठते हैं। इसके चलते हमें बहुत सारे मुश्किलों का, मुसीबतों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये जो वैज्ञानिक युग जो है ये सोच विचार रखती है कि ज्ञान से हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो उसके लिए दवा ढूंढ सकते हैं, वैक्सीन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो महामारी है, एक साल बीत गए हैं फिर भी ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं आ पाए हैं जो पूरी तरह 100% इसके लिए वैक्सीन ला पाए हैं अब तक। तो यही हमें बताता है कि ईश्वर और मनुष्य का संबंध क्या है। इस संबंध में जब दूरियां हैं इसलिए मनुष्य जाति जो है ऐसे परिस्थितियों से गुजर रही है। अगर मनुष्य जितना ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु के साथ हैं, तभी असंभव बातों को संभव बनते हुए भी वे अपने जीवन में महसूस करते हैं। हमारे जीवन में जब हम विशेष रूप से क्रिसमस के निकट हैं, कुछ दिन बाकी हैं, हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, तो इस क्रिसमस को योग्य रीति से मनाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें आध्यात्मिक रीति से संभव संपन्न होना है, हमें विश्वास में पक्के होना है। तो हमें कैसे प्रभु की शांति अपने जीवन में विराजमान होने के लिए हम कार्य कर सकते हैं? सबसे पहले हमें स्वतंत्र होना है। सच्ची स्वतंत्रता जिनके जीवन में है वही सच्ची रीति से प्रभु को चुन पाते हैं, और जब प्रभु को सच्चे स्वतंत्रता से प्रभु को चुनते हैं वही अपने जीवन में सच्चे खुशी पाते हैं, क्योंकि वे सच्चाई की मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और इसलिए उन्हें सच्चे खुशी अपने दिल में विराजते हैं। और जिनके जीवन में सच्चे खुशी है वही सच्चे आनंद और शांति को पाते हैं, और वही शांति देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। वही शांति आज के परिवेश में लोगों के दिल में, लोगों के मन में, परिवार में और हमारे समाज में, संसार में हम नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु को प्रवेश करना है, उस शांति, उस प्रेम और उस शांति को हमारे जीवन में पाना है, तो हमें सचमुच प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करना है। जिस तरह माता मरियम ने विश्वास किया, जिस तरह माता मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास करते हुए उसने हाँ कहा ईश्वर के लिए, और जिस तरह स्वर्गदूत ने भी माता मरियम को बताया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे जीवन में भी कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, अगर हम प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में पूरे होने देते हैं, तब हम प्रभु के उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आइए, जब हम प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्रिसमस मनाने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रीति से तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपनी कृपा
अपनी योजना हम पर प्रकट कर ताकि हम उसे पूरा कर सकें, ताकि आपके द्वारा जो योजना हम पर है उसे हम अपनाते हुए जो असंभव है उसे संभव होते हुए अपने जीवन में पाएं। आमीन।